नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में दो बार एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई 2024 में एकादशी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी और एकादशी की तिथि क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी एकादशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जुलाई माह की पहली एकादशी योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ होगा 1 जुलाई की सुबह 10:26 पर और समाप्ति होगी 2 जुलाई की सुबह 8:42 पर। जुलाई माह की दूसरी एकादशी देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ होगा 16 जुलाई की रात 8:33 पर और समाप्ति होगी 17 जुलाई की रात 9:02 पर। जुलाई माह की तीसरी एकादशी कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को है। श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ होगा 30 जुलाई की शाम 4:44 पर और समाप्ति होगी 31 जुलाई की शाम 3:55 पर। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।